एपिसोड की शुरुआत में माइकल को देखकर इससे सोचता है कि ये है चीफ ऑफ एंजल, ये तो काफी इम्पोर्टेंट लगता है। तभी इससे सोचता है कि मेरी बॉडी में अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, ये इस आदमी की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी वहां पर एक तलवार आती है और माइकल बोलता है कि ये ड्रैगन स्लेयर है, ऐसी तलवार जिससे ड्रैगन को मारा जाता है। इससे सोचता है कि इसीलिए मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। माइकल बोलता है कि एक्चुअली मैं ये तलवार तुम्हें देना चाहता हूँ। इससे बोलता है कि मुझे, माइकल बोलता है कि ऐसा कहना ज्यादा सही होगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने बूस्टेड गियर में ऐड कर लो, ऐसा सुना है कि तुम हिस्ट्री के सबसे कमजोर रेड ड्रैगन हो, इसीलिए मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा सपोर्ट वेपन होगा। इससे बोलता है कि मैं सबसे कमजोर तो हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ही क्यों। माइकल बोलता है कि ग्रेट वॉर के बाद कोई भी बड़ी फाइट नहीं हुई, लेकिन तुम जानते हो कि 3 ग्रेट पावर छोटी मोटी फाइट में अभी भी लड़ते रहते हैं। इससे बोलते है कि अच्छा तो वो एक छोटी बैटल थी। माइकल बोलता है कि अगर ऐसे ही रहा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई दूसरी पावर अटैक कर दे। इससे बोलता है कि एक दूसरी पावर, तो माइकल बोलता है कि और भी माइथोलॉजिकल पावर सिस्टम है जो कि इस यूनिवर्स के बाहर की है, इसीलिए मुझे लगता है कि अपकमिंग सबमिट काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि तीनों ग्रेट पावर आपस में मिल जाएं ताकि इस खतरे को टाल सके। इससे बोलता है कि कैसा खतरा, तो माइकल बोलता है कि पास्ट में सिर्फ एक बार तीनों फोर्सेज आपस में ज्वाइन हुई थी, वो तब था जब रेड और व्हाइट ड्रैगन एम्परर आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए रेड ड्रैगन एम्परर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी फोर्सेज को ज्वाइन करो। अकेनो बोलती है कि इससे तुम्हें धन्यवाद के साथ ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे बोलता है कि अगर अकेनो बोल रही है तो ठीक है। अब इससे बोलता है कि होली स्वॉर्ड को असाइमुलेट करना क्या पॉसिबल है। डी ड्रैग बोलता है कि सेकंड गियर वही करता है जो होस्ट चाहता है, अपने थॉट्स को सेकंड गियर में फोकस करो। अब इससे उस तलवार को पकड़ता है जिसके बाद वो तलवार इससे के सेकंड गियर में जुड़ जाती है। माइकल बोलता है कि जिस काम के लिए आया था अभी वो काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। इससे बोलता है कि रुको मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो माइकल बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन समिट होने के बाद मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ ह्यूडो, इससे ऐसा बोलकर माइकल चला जाता है। अब इससे अकेनो को बोलता है कि अच्छा तुम और माइकल ने मिलकर ये सब तलवार के लिए किया। अकेनो बोलती है कि हाँ हमने ही एस्केलन के स्पेसिफिकेशन को बदलने के लिए इस सेरेमनी को कंडक्ट करवाया था। अब इससे बोलता है कि क्या मैं एक और चीज पूछ सकता हूँ, कोकाबिल के साथ फाइट के दौरान उसने कहा था कि तुम्हारे पास बैरकिल की पावर है, तो क्या तुम सचमुच फॉलन एंजल की डॉटर हो। अब अकेनो बताती है कि हाँ मैं फॉलन एंजल के लीडर बैरकिल और एक इंसान की डॉटर हूँ, मेरी मदर श्राइन फैमिली से थी, एक दिन उन्होंने बैरकिल जो कि फॉलन एंजल का लीडर था उसकी मदद की क्योंकि वो घायल था, उसके बाद दोनों को आपस में प्यार हो गया और मैं पैदा हुई। इससे बोलता है कि सॉरी अगर मैंने कुछ अजीब पूछ लिया हो तो। अब अकेनो अपने पंख दिखाकर बोलती है कि मेरे पास डेविल और फॉलन एंजल दोनों के पंख हैं, मैं रिया से मिली और डेविल बनने का फैसला लिया क्योंकि मुझे ये पंख बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया कि मेरे पास दोनों ही पंख आ गए। अब अकेनो आगे बोलती है कि इससे तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें फॉलन एंजल पसंद नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने आशिया और तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इससे बोलता है कि ये सच है कि मुझे फॉलन एंजल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तुम पसंद हो अकेनो, आई एम सॉरी मैं काफी इनसेंसिटिव हूँ, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अकेनो बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रही हूँ ताकि तुम मुझसे नफरत ना करो। इससे बोलता है कि तुम उस तरह की पर्सन नहीं हो, तुम हमेशा से मेरे लिए काइंड सीनियर रही हो। ये सुनकर अकेनो इमोशनल होने लगती है। इससे बोलता है कि ये सच है कि मुझे फॉलन एंजल पसंद नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और कौन हो, तुम मेरे लिए हमेशा से बेस्ट प्रेसिडेंट रही हो, तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो आई गेस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम क्या हो। अकेनो बोलती है कि अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो लगता है मुझे भी तुम्हारे लिए सीरियस होना पड़ेगा। इससे बोलता है कि आई गेस मैंने फिर से कुछ अजीब बोल दिया। इससे आई एम सॉरी बोलने लगता है कि तभी अकेनो इससे के ऊपर चढ़कर उसे गले लगाती है और बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारी थर्ड गर्ल बन के रहूंगी, इस अफेयर के बारे में सोचकर ही मैं काफी हॉट हो गई हूँ। इससे बोलता है क्या तुम ये क्या बोल रही हो। अकेनो बोलती है कि तुम प्रेसिडेंट की बजाय मेरी लैब पर भी सो सकते हो, ये सुनकर इससे खुश हो जाता है। अब अकेनो बोलती है कि इससे क्या तुम मेरे फर्स्ट नेम के साथ बुलाओगे। इससे बोलता है कि मैं इतने कैजुअली नहीं बोल सकता, तो अकेनो बोलती है कि प्लीज एक बार। अब इससे अकेनो बोलता है, ये सुनकर अकेनो काफी खुश होती है और वो बोलती है कि मैं जब भी हम अकेले हो तो प्लीज मुझे मेरे पहले नेम के साथ ही बुलाना। इससे सोचता है कि ये कितने क्यूट है, मैं तो पागल हो रहा हूँ। अब अकेनो इससे को अपनी गोद में सुलाकर बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने रियाज का एक स्पेशल प्रिविलेज को चुरा लिया है और मैं कुछ ज्यादा ही नोटी कर रही हूँ, इससे तुम्हें कैसा लग रहा है। इससे बोलता है कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने हमें इस तरह देख लिया तो। तभी रियास बोलती है कि प्रेसिडेंट ने क्या, ये सुनकर इससे बोलता है कि प्रेसिडेंट। इससे आगे सोचता है कि ये तो आज मुझे मार ही डालेंगी। अकेनो हंसने लगती है, वहीं रियास इससे का गाल पकड़कर बोलती है कि मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती, बताओ तुम्हें तलवार मिली और माइकल चला गया। इससे बोलता है कि हाँ, तो रियास बोलती है कि ठीक है अब हमारा कोई काम नहीं है, चलो यहाँ से। इससे बोलता है कि यस मैम। अकेनो बोलती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट प्रेसिडेंट की पोजीशन से काफी जेलस फील कर रही हूँ रियास। रियास चुपचाप वहां से चली जाती है। इससे बोलता है कि ठीक
मालिक है अकेनो, और अब वो भी प्रेसिडेंट के पीछे पीछे चला जाता है। अब रास्ते में इससे सोचते हैं कि प्रेसिडेंट तो सचमुच काफी गुस्सा हो गई। तभी रियास बोलती है कि इससे अकेनो, अगर अकेनो है और अकेनो वाइस प्रेसिडेंट भी है लेकिन वो अकेनो है तो मैं कौन हूँ। इससे बोलता है कि आप प्रेसिडेंट रियास हैं, तो रियास बोलती है कि सही कहा, मैं प्रेसिडेंट हूँ लेकिन मैं रियास भी हूँ। इससे बोलता है कि हाँ सही कहा, आप मेरी प्रेसिडेंट है और मास्टर भी रियास ग्रामरी। अब रियास सोचती है कि फेवरेट, मुझे लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा दूर हूँ। अब रियास बोलती है कि कल फाइनल समिट का आखिरी दिन है, इसलिए मुझे कुछ तैयारियां करनी है, इससे तुम क्या करोगे। इससे बोलता है कि मैं स्कूल जाऊंगा क्योंकि अभी मुझे गैस्पर की ट्रेनिंग भी देखनी है ना। रियास बोलती है कि ठीक है, तब मैं यहाँ से अलग जाती हूँ। अब रियास वहाँ से चली जाती है। वही इससे देखते हैं कि प्रेसिडेंट इतनी दुखी है। अब हमें गैस्पर ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है जो कि बॉल को हवा में रोकने लगता है। इससे बोलता है कि बहुत ही अच्छा। इससे आगे बोलता है कि अब तुम 20 ट्रायल्स में एक बार इसे कर पा रहे हो, ये बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट है। गैस्पर काफी खुश होता है। अब इससे फिर से बॉल फेंकने लगता है जो सीधे गैस्पर के मुंह पर जाके लगती है। गैस्पर बोलता है कि इससे मैं थक गया हूँ, तो इससे बोलता है कि आलसी मत बनो, हमारा एक सपना है जिसे हमें पूरा करना है। इससे को जोश में देखकर गैस्पर भी उठ जाता है। वही इससे सोचता है कि मैं बोर इंतजार नहीं कर सकता, समझो गैस्पर। गैस्पर जोश में बोलता है कि मैं समझ गया, मैं गलत था इससे। अब इससे फिर से बॉल फेंकने लगता है, तो इस बार गैस्पर इससे के हाथ को ही फ्रीज कर देता है। इससे बोलता है कि तुम्हें मेरे हाथ को फ्रीज नहीं करना गैस्पर। गैस्पर फिर दुखी होकर बोलता है कि मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, तो इससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, अब तुम पूरी गलती नहीं कर रहे, पिछली बार तो तुमने मेरी पूरी बॉडी जमा दी थी, याद है। गैस्पर बोलता है कि ना ही मैं अच्छा डेविल हूँ ना ही अच्छा वैम्पायर, मैं बस सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। इससे बोलता है कि ऐसा मत सोचो वरना तुम हारते रहोगे, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो, अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं क्या तुम्हें सब लोग पसंद करेंगे, आशिया भी तुम्हें पसंद करती है पता है। आशिया बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ गैस्पर, क्योंकि हम लोग सेम क्लब में प्रेसिडेंट रियास के हाउस होल्ड है। अब गैस्पर बोलता है कि ठीक है, मैं काफी ज्यादा वर्क हार्ड करूंगा, तो क्या मैं इसे पहन लूं। इससे बोलता है कि रुक जाओ, ये डरावना है। वहीं कीबा बोलता है कि ज़ेनोविया तुम उसकी मदद नहीं कर रही, तो ज़ेनोविया बोलती है कि पता नहीं किसी रीजन से मेरे आते ही गैस्पर रोने लग जाता है। अब कोनेको बोलती है कि मैंने इससे को पहले भी ऐसे देखा है जब इसने अपना वो ड्रेस ब्रेक वाला फिनिशिंग मूव क्रिएट किया था। ये सुनकर कीबा अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वहीं इससे बोलता है कि हम अपना सपना पूरा करके रहेंगे। वहीं आशिया बोलती है कि वैसे तुम दोनों का क्या सपना है। अब गैस्पर बताने लगता है कि तभी इससे उसका मुंह बंद करके बोलता है कि ये हमारा सीक्रेट है। अब इससे सोचता है कि मैं भी किसी को सिखाने की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है, काश कोई होता जो मुझे सेकंड गियर के बारे में सिखा पाता। अब दूसरी तरफ वाली बोलता है कि एसएल क्या मुझे भी कल की समिट में होना पड़ेगा, तो एसएल बोलते है कि ऑफकोर्स वाली, क्योंकि तुम ही तो व्हाइट ड्रैगन एम्परर हो। अब वाली बोलता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यह कितना अनफॉर्चुनेट है कि मैं इस टाइम पर पैदा हुआ जहाँ पर गोड नहीं है, क्योंकि मैं गोड के साथ लड़कर उसे हराना चाहता था। एसएल बोलता है कि इसीलिए तो तुम व्हाइट ड्रैगन एम्परर हो। वाली बोलता है कि मेरे इस बोरिंग दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे सोते हुए सोचता है कि अकेनो हमेशा से स्माइल करती रहती है लेकिन अंदर से वह कितनी दुखी है, उसके मुकाबले में हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि प्रेसिडेंट मुझसे नफरत करती है या पसंद करती है। यह सोचकर ही मुझे लग रहा है कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ। तभी रियास और अकेनो वहाँ पर आते हैं। इससे बोलते है कि अकेनो यहाँ पर क्यों है। रियास बोलती है कि हमारी मीटिंग काफी देर तक चली इसलिए मैं उसे लेकर आ गई। इससे सोचता है कि चलो सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब रियास बोलती है कि मैंने वो सारी बातें सुनी जब अकेनो ने तुम्हें सब सच बताया और तुमने किस तरह इसका रिप्लाई किया, और यह सुनकर मुझे तुम पर काफी गर्व हुआ। इससे बोलता है कि मुझे खुशी है कि मेरी तारीफ हो रही है लेकिन मेरी तारीफ किस लिए हो रही है यह मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अब अकेनो बोलती है कि आज से ये मेरा भी इससे है। रियास बोलती है कि भले ही अकेनो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है लेकिन कुछ चीजें हम शेयर नहीं कर सकते, ऐसा बोलकर दोनों लड़ने लगती है। तभी आशिया बोलती है कि यह गलत बात है तुम दोनों। अब अगले दिन वाली बोलते है कि फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हायर अप्स मिलकर बोरिंग इश्यूज को डिस्कस करेंगे, मेरे इस बोरिंग दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी एक लड़की को देखकर वाली बोलता है कि ऑर्फिस, तो ऑर्फिस बोलती है कि वाली तुम हमेशा से ऐसी ही बातें करते हो। वाली बोलता है कि हाँ क्योंकि मेरे इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब स्कूल के ऊपर एक शील्ड दिखाई जाती है। रियास बोलती है कि गैस्पर अच्छे बच्चे बनकर रहना, अगर किसी चीज ने तुम्हें शॉक किया और तुम्हारी पावर एक्टिवेट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। गैस्पर बोलता है कि ठीक है। रियास बोलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कोनिको को बताना, वो यहाँ पर रहेगी। इससे गेम देखकर बोलता है कि इसके साथ खेलते रहना, अगर डर लगे तो मैं ये मास्क यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब वे लोग सब मीटिंग पर चले जाते हैं जहाँ पर इससे वाली को भी खड़ा हुआ देखता है। सर जैक बोलता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरी छोटी बहन और उसका हाउस होल्ड है जो लोग को कबील के साथ उस दिन लड़े थे। अब माइकल बोलता है थैंक यू तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। वहीं एसएल बोलता है सॉरी, हमारे एक बंदे की वजह से तुम्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब सर्जेक बोलता है कि चलो मीटिंग शुरू करते हैं। वहीं बाहर हमें बहुत सारे गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि पहरा दे रहे होते हैं। अब रियास और सोना सारी इंसिडेंट की डिटेल्स बताते हैं। सर्जेक बोलता है कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ फॉलन एंजल से रियास की रिपोर्ट के बारे में ओपिनियन सुनना चाहता हूं। एसएल बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या सोचता हूं, को कबील अपने आप एक्ट करता है। सर्जेक बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। एजेल
बोलता है कि जब मुझे इसके प्लान के बारे में पता चला तब मैंने भी इस टाउन में को इन्फिल्ट्रेट कर दिया था, ये काफी अच्छा टाउन है और उसी वक्त मैंने व्हाइट ड्रैगन एम्परर को भी सब कुछ देखने के लिए भेज दिया था। माइकल बोलता है कि प्रॉब्लम को काबिल नहीं बल्कि उसकी मोटिवेशन है। सर जैक बोलता है कि इस मीटिंग का मेन मकसद है। एसएसएल बोलता है कि चलो सब लोग शांति बनाते हो क्योंकि तुम सब लोग यही चाहते हो ना। वहीं गैस्पर सोचता है कि पता नहीं सब लोग ठीक होंगे या नहीं, कहीं वहां पर मीटिंग खराब हो गई तो क्या होगा, यह सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। ऐसा बोलकर वो मास्क पहन लेता है। अब हम एक मैजिक स्किल दिखाई जाती है जिसमें से एक लड़की निकलकर हंसने लगती है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।